उधर हरियाणा की राजनीति में उस वक्त एक बड़ा उलटफेर हो गया जब अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे की खबर आई। कुछ ही घंटे बाद राज्यपाल ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। और सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद तो मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। फिर राज्यपाल के पैर छूकर नायब सैनी मंच से उतर गए। नायब सिंह सैनी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल शामिल हैं। सीएम बनाए गए नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से हैं और कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं। नई सरकार का गठन करने के लिए बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का साथ नहीं लिया, यानी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 46 सदस्य जरूरी हैं। अभी तक उसके साथ जेजेपी के 10 विधायक थे, लेकिन बीजेपी के पास 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। इसलिए माना जा रहा है कि जेजेपी का साथ छोड़ने के बाद भी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने में कोई परेशानी नहीं है। जिसका सीधा मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव के बाद लोकसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव की भी अटकलें लगनी तेज हो गई। लेकिन सूत्रों के माने तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव तय वक्त पर ही कराए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक कराए जाने हैं। बीजेपी की कोशिश हरियाणा में गैर जाट समुदाय के वोटरों को मजबूत संकेत देने की है। माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जाट समुदाय के वोटर कांग्रेस और जेजेपी के उम्मीदवारों में बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा। यानी नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से अगले गैर जाट नेता साबित हो सकते हैं, इसलिए उनके नाम का ऐलान होते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। होली से पहले ही उनके घर पर रंग और गुलाल उड़ते हुए दिखने लगे। यानी जेजेपी के साथ समझौता तोड़ना भी बीजेपी का गैर जाट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव माने जाने लगा। हरियाणा में पाला बदलने का इतिहास भी कोई नया नहीं है। यहाँ तक कि आया राम गया राम वाली कहावत भी हरियाणा की राजनीति में हुई एक सच्ची घटना से ही निकली है। और ऐसा हुआ था 1967 में। गया लाल एक विधायक हुआ करते थे। हरियाणा की हसनपुर विधानसभा सीट से वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन पाला बदलने में वो इतने उस्ताद निकले कि उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। एक दिन भी क्या, केवल 9 घंटे में ये सब हो गया था। पहले वो कांग्रेस में गए, कुछ घंटे बाद उस वक्त के विपक्षी मोर्चे में चले गए और क्लाइमैक्स तब हुआ जब वो दोबारा कांग्रेस में आ गए थे। उस वक्त कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह विधायक गया लाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम है। और हरियाणा की राजनीति में हुई इस घटना ने पूरे देश की राजनीति को आया राम गया राम की कहावत दे दी। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। हरियाणा की राजनीति में पार्टियों में टूट फूट और पाला बदलने की घटनाएं कभी रुकी नहीं। 1980 में तो उस वक्त के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कुछ ऐसा किया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो भी तब जब वो खुद राज्य के मुख्यमंत्री थे। 1979 में हरियाणा में वो जनता पार्टी की सरकार के सीएम हुआ करते थे। 1980 में जैसे ही केंद्र में इंदिरा गांधी लौटी, उन्होंने भी पलटी मार ली। वो जनता पार्टी के सारे विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी ना तो सीएम बदले और ना ही विधायक बदले और ना ही मंत्रिमंडल में कोई बड़े फेरबदल हुए। बस रातों रात सरकार जनता पार्टी से बदलकर कांग्रेस की हो गई। एक दिन पहले तक वो जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अगले ही दिन वो कांग्रेस की सरकार में सीएम बन गए। लेकिन हरियाणा की सियासत में हो रहे उलटफेर अचानक नहीं हुए, बल्कि इसके संकेत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे थे। शनिवार को हरियाणा के हिसार से मौजूदा बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी सोमवार को राजस्थान के चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने भी बीजेपी को झटका दे दिया। दोनों घटनाएं 2 अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन अगर नक्शे पर चुरू और हिसार की सीट को देखें तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। चुरू और हिसार एकदम जुड़ी हुई लोकसभा सीटें हैं, एक दक्षिण पश्चिम हरियाणा और दूसरा उत्तर पश्चिम राजस्थान। दोनों सीटों पर जाट समुदाय का तगड़ा दबदबा माना जाता है। दोनों ही सीटों से लोकसभा में बीजेपी के सांसद बैठते हैं, और उससे भी अहम बात यह कि ये दोनों सांसदों की सियासत पुश्तैनी रही है। चुनाव से ठीक पहले दोनों के पार्टी छोड़ने का मतलब जाट मतदाताओं में नाराजगी को भी माना जा रहा है। तो चर्चा ये भी है कि दोनों ही नेताओं की टिकट इस बार काटी जा सकती थी। लेकिन हरियाणा में जाट समुदाय का सियासी दबदबा कोई नई बात नहीं है। 1966 में जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, तभी से हरियाणा में जाट समुदाय का दबदबा माना जाता रहा, और इसीलिए हरियाणा की सियासत भी जाट वर्सेस नॉन जाट के समीकरणों में उलझी रही।
कई जाट नेताओं का साथ होने के बाद कांग्रेस ने गैर जाट वोटरों को साधने की कोशिश की। 1966 में हरियाणा राज्य बनते ही कांग्रेस ने भगवत दयाल शर्मा को पहला मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गैर जाट मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस की कोशिश कामयाब नहीं हुई। महज 5 महीने बाद सरकार गिर गई। 1968 में कांग्रेस ने जाट नेता चौधरी बंसीलाल की अगुवाई में सरकार बनाई, जो एक टिकाऊ सरकार साबित हुई। 1975 तक चौधरी बंसीलाल ही सीएम बने रहे। 1975 में कांग्रेस ने फिर बनारसीदास गुप्ता पर भरोसा जताते हुए एक गैर जाट नेता के हाथ में राज्य की बागडोर सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता एक बार फिर फिसल गई। इसके बाद हरियाणा में सियासी लड़ाई जाट और नॉन जाट नेताओं के बीच ही मानी जाती रही, जिनमें सिर्फ कांग्रेस उस वक्त की जनता पार्टी या बाद में बीजेपी नहीं बल्कि हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां भी रही। हरियाणा में मोटे तौर पर जितनी भी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां बनी उनकी कमान जाट नेताओं के हाथों में ही रही, जिनमें चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल शामिल है, जो 1979 में बनाई गई थी। इसके बाद लोकदल से अलग होकर चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल बनाई, तो कांग्रेस से अलग होकर चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई। ये सारी पार्टियां जाट समुदाय के वोटों को साधकर सत्ता में आने में कामयाब भी हुई। 1980 में भजन लाल कांग्रेस में शामिल रहे, उसके बाद वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी का चेहरा भजन लाल ही बने रहे। इसीलिए ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और चौधरी बंसीलाल का परिवार जाट समुदाय के लिए विकल्प बनते रहे। कहानी बदली 2004 में, जब कांग्रेस ने राज्य की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी और पुराने जाट नेताओं का खेल खत्म करने की कोशिश की।